आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओंकार पर्वत पर धरना आंदोलन सातवें दिन भी जारी। ओंकार पर्वत पर धरना आंदोलन के सातवें दिन आंदोलन जारी रहा। आग उगलती भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन पर बैठे। भाजपा एवं कांग्रेस सहित अन्य संगठन के पदाधिकारी आंदोलनकारियों के समर्थन में पर्वत पर पहुंचे। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी रहे उत्तम पाल सिंह, महिपाल सिंह, युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रियेश चौकड़े, अन्य कांग्रेस जन पहुंचे और उन्होंने प्रदेश सरकार को आले हाथों लेते हुए कहा, भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। आखिर पर्वत निवासी कहां जाएंगे? ओंकार पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य को खत्म करने में लगी है। ललित दुबे, ओंकारेश्वर की रिपोर्ट। काफी लंबी बात हुई इस संबंध में, जो कोर्ट का निर्णय, कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर बात यह है कि जो गरीब जनता है ये कहाँ जाएगी? अगर आप उनका विस्थापन कर रहे हैं तो उनकी विस्थापन की व्यवस्थाएं भी देखने की ज़रूरत है। जैसे उनने पिछली बार विस्थापन किया था डुकिया में, प्लाट दिए, आज वहाँ मैंने कलेक्टर साहब को बोला कि आप वहाँ पर SDM और तहसीलदार को भेजिए और वहाँ देखिए कि वहाँ क्या व्यवस्थाएँ हैं, ना पानी की व्यवस्था है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं, आदमी शिफ्ट होगा और वहाँ जाएगा कैसे रहेगा। रही बात यहाँ पे छोटी छोटी दुकान वाले हैं, उनकी जीविका जो है ओंकार पर्वत के माध्यम से चलती है, आप इन लोगों को शिफ्ट करें, उनकी जीविका का क्या होगा? तो मैंने कलेक्टर साहब को ये बात बोली। तो बात ये है कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, गरीब लोग हैं, मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। आप जो है शंकराचार्य जी की मूर्ति बनाइए, उसमें कोई नहीं है आप, पर बात यह है कि जो लोगों के मकान गए हैं, जैसे आवास का मकान, तो आवास जो है आज जो महंगाई है उसमें 2-2.5 लाख में तो मकान बनता नहीं है। घर के पैसे लगाते हैं, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है, इधर उधर से व्यवस्था करता है, अब वही मकान को आप तोड़ रहे हैं और फिर आप बोल रहे कि हम मकान दे रहे हैं। आप मकान के जो पैसे देंगे, आज सरिया कितना है, 80 रुपये के आसपास पहुंच गया है, सीमेंट कितनी महंगी हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं, जिनने मकान बनाए वो टूट रहे हैं, रोजी रोटी से भी जा रहे हैं। इन सब की यही मांग है कि हमको जो है रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए और व्यवस्थित ढंग से हमको विस्थापन किया जाए। जैसे यहीं पे क्या इनका जगह है, उन जगहों पे हमको मकान दिया जाए, इसे तमाम चीज़ों से लेकर इनसे चर्चा भी हुई है और कलेक्टर साहब से भी हुई है। क्या इस मुद्दे को लेकर आप अपने आला कमान से चर्चा करेंगे? ये बात जो है हम ऊपर बताएंगे कि जो हमारा आदिवासी भाई है उनके साथ अन्याय हो रहा है, और जो कुछ सालों से यहाँ पे बसे हैं, जैसे सोमनाथ जी का मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, ये पुरातत्व में भी बहुत पुराने समय से लोग यहाँ बसे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, और ओंकार पर्वत परिक्रमा जो है उसके आई साइड में बहुत छोटे छोटे लोग हैं जो अपनी जीविका चलाते हैं, छोटी छोटी कम्युनिटियों में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें सरकार को देखने की ज़रूरत है, और जब तक हम छोटे लोगों की जीविका पे ध्यान नहीं दें, भाई आप उनको हटा तो रहे हो, उनको मकान। जन जन की आस्था का केंद्र ओंकार पर्वत है। पिछले हजारों सालों से तीर्थ और परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री की हठधर्मिता से उस टापू को आज बर्बाद किया जा रहा है। प्रथम आदिगुरु शंकराचार्य से संबंधित कार्य करने के लिए आपके पास शंकराश्वर में अन्य भी स्थान है, एक चीज। दूसरा, अगर आप वहीं पर स्थापित करना चाहते हैं तो जो सैकड़ों साल से, हजारों साल से वहाँ पुरानी प्रतिमाएं पड़ी है, पूरा अवशेष पड़े हैं, उनको भी जरा संभाल लें, और जो गरीब आदिवासी वहाँ पे सदियों से रह रहा है उसको बेदखल न करें, उनको बेदखल करके आज वो उनके परिवार, बच्चे और महिलाएं जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, और एक भीषण गर्मी में वो खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। तो पहले उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, उनको शासन प्रशासन सरकार सुविधा उपलब्ध कराए, उनको आवास उपलब्ध कराए, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, ये कोई विकास का मापदंड नहीं है।
एक तरफ जहाँ आप गरीब आदिवासियों को उजाड़ के और इस करके भव्य स्मारक आप बनाओ, ये विकास नहीं हो सकता।